चलो मान लेते हैं कि आपके पास स्पेयर में एक्स्ट्रा $1,000 है जिससे आपने इन्वेस्ट करने के लिए रखे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड में एंटर करने के लिए तैयार हैं। शायद आपके पास $10 ही है एक्स्ट्रा सेविंग्स में। तो ये वीडियो आपके लिए है जो आपको इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे स्पेशली बिगिनर्स के लिए। पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ना करें, बट इन्वेस्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक्स। याद रखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने ही चाहिए। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इक्वेट्स टू गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट एक एक्सक्लूसिव क्लब है ब्रोकर्स और रिच पीपल के लिए। रिड्यूस रिस्क विद डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ही एक फ्री लंच है जो इन्वेस्टिंग में कंसिडर्ड होता है। अगर आप आपके एसेट्स रेंज ऑफ डिफरेंट शेयर्स में डालोगे तो आप रिड्यूस कर सकते हो चांस ऑफ रिस्किंग योर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। याद रखिए कभी भी अपने सारे स्टॉक्स एक ही एंटरप्राइज में ना डालें। म्यूचुअल फंड फीस। यहाँ बहुत सारी फीस देनी पड़ती है इन्वेस्टर को जब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान दीजिए MER फीस का मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो जो मैनेजमेंट टीम हर साल आपके एसेट्स के बेसिस पर चार्ज करती है। आपको अकाउंट खोलना है तो आपको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको मिनिमम डिपॉजिट रखने के लिए मैंडेटरी करते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस आपके अकाउंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती जब तक आप सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते। लर्न द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जैसे कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं दुनिया में देयर इज नो फ्री लंच, आजकल ब्रोकर्स ये रेस में लगे हैं कि किस पर लोअर कमीशंस हैं या फिर एलिमिनेटेड है कमीशंस ट्रेड। इन्वेस्टिंग थ्रू एम्प्लॉयर। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं हो रही है तो घबराए मत, बस ट्राई करिए कि आपकी सैलरी का 1% इन्वेस्ट करना, चाहे वो रिटायरमेंट प्लान ही क्यों ना हो ऑफिस का। सच्चाई तो ये है कि स्मॉल कंट्रीब्यूशन से आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा और आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी आपको लेस पेनफुल लगेगा। कमीशंस। इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक आपको कॉस्टली लगेगा अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे हो तो, स्पेशली छोटी छोटी अमाउंट के साथ। अगर आपका ब्रोकर चार्ज किया आपको उसका कमीशन फीस वो भी एवरी टाइम ट्रेड करने पर, या तो फिर आप ज्यादा एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर रहे हो। याद रखिए कि अगर आप 5 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5 इन्वेस्टमेंट्स का चार्ज भी लगाएगा। तो आपको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा मिनिमम डिपॉजिट के लिए और फिर उसे कंपेयर करना पड़ेगा अलग अलग ब्रोकर्स के कमीशन के साथ, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक टिप्स जो आपको याद रखने चाहिए इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले। और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।